मित्रों, वैसे तो दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है, परंतु अगर आज भी कोई मनुष्य दशहरे के दिन कुछ काम करता है तो वह अपनी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं तो दशहरे के दिन इन 10 उपायों को जरूर आजमाएं। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो आपको मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, तो दशहरे के दिन माता रानी की पूजा कर उन्हें नैवेद्य के रूप में 10 तरह का फल भोग लगाएं और फिर उन सभी फलों को गरीबों में बांट दें और देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय का जाप करें। इतना ही नहीं, ये काम आप दिन के मध्य में करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और आपको हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद दिन के मध्य काल में ही देवी का पूजन किया था। इसके अलावा अगर आप पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो रखा है और आप इस परेशानी से कितनी भी कोशिश के बाद नहीं निकल पा रहे हैं तो दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे 5 दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप निश्चित ही सभी तरह के मुकदमों से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, धर्म शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे, और आपको बता दूं कि नीलकंठ पक्षी को शिव जी का रूप माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य दशहरे के दिन इस पक्षी को देखता है उसके जीवन में सभी शुभ ही शुभ होता है। साथ ही अगर आप एक कारोबारी हैं और आपको लगातार कारोबार में घाटा होता जा रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल को 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर, साथ ही जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ अगर आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा देते हैं, ऐसा करने से आपका कारोबार चल निकलेगा और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। इसके अलावा अगर आप या आपके परिवार में अक्सर ही कोई ना कोई बीमार रहता है तो भी दशहरे के दिन एक साबुत पानीदार नारियल को अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर किसी रावण दहन की आग में डाल देने से भी आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। और अगर संभव हो तो घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उस नारियल को 21 बार घुमाकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें, और ये भी उत्तम माना गया है। मित्रों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक किसी कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन सब के अलावा दशहरे पर सुंदरकांड की कथा करने से भी मनुष्यों को बीमारी से संबंधित और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही दशहरे के दिन अगर कोई मनुष्य किसी को बिना बताए दान करता है तो भी उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ होता है। झाड़ू को अशुभ माना जाता है, लेकिन दशहरे के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो भी मनुष्य मंदिर में झाड़ू दान करता है उससे उसका धन और समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा दशहरे के दिन जो भी मनुष्य अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है उसे जीवन भर कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। साथ ही दशहरे के दिन पेड़ काटना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है। दशहरे के दिन किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, दशहरे के दिन भूल कर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।